डिग्गी में भूरिया महादेव मंदिर जी के जो महंत थे संत सियाराम दास महाराज जी, उनकी हत्या की घटना कारित की गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए मैं खुद भी मौके पर गया था और उसके बाद एक विशेष टीम का गठन किया था जिसमें करीब हमारे 25 से 30 लोग पूरे ज़िले के जो तकनीकी जो हमारे स्पेशलिस्ट थे और हमारे जो स्पेशल टीम के जो अलग अलग थानों के डिग्गी के मालपुरा के जो स्पेशलिस्ट लोग थे सबको हमने इस घटना को खोलने के लिए लगाया हुआ। पिछले 4 महीने से हम अथक प्रयास कर रहे थे, काफ़ी 100 से ऊपर लोगों से हमने पूछताछ की, अपना मुखबिर जो हमारा तंत्र है उसको एक्टिवेट किया, काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस किया, इसमें हमने पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया था, जो कुछ संदिग्ध थे उनको हमने गांधीनगर FSL भी भेजा था, वहाँ उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ था। और ये 4 महीने के अथक प्रयास के कारण कल के दिन जो इस घटना में जो दो मेन अक्यूज्ड थे उनकी हमने गिरफ्तारी की है। ये जो दो मेन अक्यूज्ड है, जो पहला जो घटना का जो पूरा मास्टरमाइंड था जिसने पूरी प्लानिंग की थी वो बालू मोगिया है, जो कि डिग्गी का ही रहने वाला है, इसके पहले भी चोरी नकबजनी के मुकदमे दर्ज हैं। और इसका साथी जो मेन साथी था मुलजिम जोधाराम मोगिया, जिसने एक्चुअल में जो घटना को कारित किया, जिसने हमला किया बाबा के ऊपर, ये जोधाराम था। इसके भी ये बहुत हार्डकोर अपराधी है, इसके 302 के पहले के ही दो दो मुकदमे दर्ज हैं। सवाई माधोपुर में इसकी स्थायी वारंटी निकली हुई है। हमारे ज़िले में भी दूनी थाने में 2011 में 302 का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज है, ये फिलहाल बेल पर चल रहा था। तो इन दो मुलजिमों को हमने गिरफ्तार किया है। इनके 3 और साथी हैं जो कि अभी पूछताछ में सामने आए हैं, जो कि घटना के दौरान वहाँ पर उपस्थित थे। इन तीनों के पीछे भी हमारी टीम लगी हुई है और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी भी हम सुनिश्चित करेंगे। इन्होंने पहले 2 दिन पहले जाकर रेकी की थी, ये जो बालू है और जोधाराम है और इनके साथियों ने पहले 2 दिन जाकर रेकी की थी। और इनका MO यही रहता है, ये इसी क्षेत्र के ही है, इनका काम ही है चोरी नकबजनी करना। और चोरी के दौरान बाबा जो पूछताछ में भी सामने आया, चोरी के दौरान बाबा जी की नींद खुल गई और इन्होंने फिर डर के मारे फिर वहाँ पर एक फावड़ा पड़ा था, उससे उन पर वार करके उनकी हत्या की। देखिए, इतने लड़के जेल में थे, फरार थे, पुलिस इन तक पहुँची क्या जाती है? हमने, जैसा मैंने कहा कि हमारी एक स्पेशल टीम जिसमें करीब 20 से 25 लोग पिछले 4 महीने से लगे हुए थे, CO मालपुरा के निर्देशन में, SHO डिग्गी के सुपरविजन में और एडिशनल SP मालपुरा साहब ओवरऑल मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसमें हमने, जैसा मैंने बताया कि 100 से अधिक लोगों को हमने चिन्हित किया था जो कि इस तरीके के अपराध पहले भी कर चुके हैं, खासकर मंदिरों में चोरी वोरी करना, नकबजनी करना। 100 से अधिक लोगों से हमने पूछताछ की थी, कुछ लोग पिछले कुछ महीने में जेल में थे, वो बेल पर भी निकले, जब वो बेल पर निकले तब उनसे हमने और पूछताछ की। तो इन पूछताछ से ही इन लोगों का रोल संदिग्ध आया था और पिछले कुछ दिनों से हम इन पर निगरानी रखे हुए थे, इनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, इनके पीछे टीम लगाई हुई थी। ये काफ़ी शातिर किस्म के हैं, ये सारे अपराधी जो हैं बिल्कुल हार्डकोर शातिर किस्म के हैं। इन्हें पकड़ने के लिए भी हमारी जब टीम गई तो काफ़ी चैलेंजिंग काम था, और हमारी टीम जो है बिल्कुल कटिबद्ध थी कि भाई इस घटना को खोलना है, और हमारी टीम के अथक प्रयास के कारण ही इनको गिरफ्तार करना सफल हो पाया। ये कहाँ रह रहे थे? ये अलग अलग जगह हो गए थे घटना के बाद, जो है ये अलग अलग खेतों में जाकर चौकीदारी का काम कर रहे थे, बेसिकली भागे फिर रहे थे, क्योंकि इन्होंने पहले भी इस तरह की घटनाएं की हैं तो इनको पता है कि कहाँ कैसे जाकर छिपना है ताकि वो ज़्यादा किसी की नज़र में ना आए। ये बेसिकली चौकीदारी का ही काम कर रहे थे अलग अलग खेतों में जाकर। जी, जैसा मैंने बताया, ये 2 मेन अक्यूज्ड हैं, एक जो पूरी जो प्लानिंग की है, जो मास्टरमाइंड है, वो बालू मोगिया है, और जिसने वार किया था वो जोधाराम है। इनके साथ 3 और लोग हैं जो कि घटना के दौरान वहाँ पर मौजूद थे, तीनों चिन्हित कर लिए हमने और जल्द से जल्द इनको भी हम गिरफ्तार करेंगे।